कलावती बंदुरकर, वो महिला जिनका नाम आपने बीते दो दिनों में अगर आप न्यूज चैनल्स देखते हैं या फिर न्यूज वेबसाइट स्क्रॉल करते हैं तो आपने जरूर सुना होगा या देखा होगा। सोशल मीडिया पर भी हर तरफ ये नाम छाया हुआ है। तो आखिरकार ये महिला कौन है, कैसे इनका नाम इतना ज्यादा सुर्खियों में है और ये बीजेपी कांग्रेस के बीच की क्या लड़ाई है, कैसे इस महिला के जरिए कांग्रेस ये दावा कर रही है कि बीजेपी झूठ बोल रही है। बीजेपी नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के अंदर झूठ बोला है। कांग्रेस ने कलावती बंदुरकर के सहारे ये साबित कर दिया है कि अमित शाह ने झूठ बोला है। तो क्या ये पूरी कहानी है, कौन है कलावती बंदुरकर, क्या ये पूरा मामला है, एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इन सब की शुरुआत होती है सदन में अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में, गृह मंत्री अमित शाह के जवाब से। अविश्वास प्रस्ताव आया था तो उस पर सरकार सत्ता पक्ष की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे, 2 घंटे से भी ज्यादा का उनका लंबा भाषण था और उसी दौरान उन्होंने एक महिला का जिक्र अपने बयान में कर दिया। इस महिला का नाम है कलावती बंदुरकर और अमित शाह ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूं। जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए, उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था, एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन कर पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली, मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा। यानी कि अमित शाह ने अपने बयान में साल 2008 का एक जिक्र कर दिया जब राहुल गांधी ने कलावती नाम की एक महिला से मुलाकात की थी। अमित शाह का दावा यह था कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद भी कलावती की जिंदगी जो है वैसी की वैसी रही और कुछ फर्क पड़ा नहीं, हमारी जब सरकार आई 2014 में तब जाकर कलावती की जिंदगी सुधरी, उन्हें घर राशन बिजली सब कुछ सौंपा गया। यहीं पर अमित शाह के साथ खेल हो गया। जिस कलावती का जिक्र करके अमित शाह ये कह रहे थे कि उन्हें कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं दिया, वही कलावती सामने आ गई। कांग्रेस ने बकायदा उस कलावती महिला का, कलावती बंदुरकर का एक वीडियो शेयर किया, ट्वीट किया, जिसमें कलावती ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि सरकार झूठ बोल रही है, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ही मेरी जिंदगी सुधरी, मुझे मदद मिली, मुझे नहीं पता सरकार क्यों बोली लेकिन सरकार झूठ बोल रही है। यानी कि एक झटके में उस कलावती महिला ने अमित शाह को झूठा साबित कर दिया। क्या कुछ बोला कलावती ने ये मैं आपको बताता हूं। इस वीडियो में कलावती कहती हैं, मोदी सरकार झूठ बोल रही है, राहुल गांधी की मदद की वजह से हमें शिक्षा भोजन मिला और हम बच्चों की शादी कर पाए, मोदी सरकार ये दावा क्यों कर रही है, ये तो झूठ है, राहुल गांधी ही थे जिन्होंने शुरू से ही हमारी मदद की, इसलिए मैं उनकी तारीफ करती हूं और करती रहूंगी, मोदी सरकार जो भी कह रही है वो सब झूठ है। यानी कि उस महिला ने अपने मुंह से यह साबित कर दिया ये बयान देकर कि अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, मोदी सरकार झूठ बोल रही है, इनके जितने भी दावे हैं ये सरासर गलत हैं, राहुल गांधी ही वो शख्स थे जिनकी मुझसे मुलाकात के बाद मेरी जिंदगी में थोड़ी खुशियां आई, मुझे मदद की गई, तब मैं अपने बच्चों को पढ़ा पाई, उनकी शादी कर पाई। बकायदा कांग्रेस ने शाह के दावों को झूठा साबित करते हुए लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया और आरोप लगाया कि उन्होंने कलावती बंदुरकर का नाम लेकर सदन में झूठ बोला। अब आपको एक बार ये भी बता देते हैं कि आखिरकार कलावती की कहानी बड़ी भावुक क्यों है, कौन है ये कलावती और राहुल गांधी ने कलावती से मुलाकात क्यों की थी, ऐसा क्या हो गया था उनकी जिंदगी में, तो उनकी कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दरअसल कलावती बंदुरकर यवतमाल के जालका गांव की रहने वाली है। ये क्षेत्र जो है किसानों की आत्महत्या को लेकर बहुत सुर्खियों में रहा है, बहुत सारे किसानों ने यहां पर आत्महत्या की है। कलावती के पति परशुराम ने कृषि संकट की वजह से और कर्ज चुकाने के दबाव में आकर 23 दिसंबर 2005 को आत्महत्या कर ली थी, उस समय कांग्रेस का राज था। उसके बाद उनके दामाद संजय कारस्कर ने, जो मात्र 25 साल के थे, उन्होंने दिसंबर 2010 में आत्महत्या कर ली थी, तब भी कांग्रेस की ही सरकार थी। इसके बाद ठीक एक साल बाद 2011 में
चंद्रपुर जिले के बरोरा के पास राडे गांव में रहने वाली कलावती की दूसरी बेटी सविता खमनकर ने भी आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बहुत दयनीय और बहुत भावुक कहानी है कलावती की। कलावती के 8 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बच्चे पहले ही उनकी मौत हो चुकी है। तो कलावती की जिंदगी में जो कुछ हो रहा था, यही देखते हुए 2008 में राहुल गांधी ने कलावती के घर का दौरा किया था। दौरा करने के बाद बड़ी बात यह है कि उन्हें अहम वित्तीय सहायता मिलने लगी। राहुल गांधी की ही मुलाकात की वजह से कलावती की जिंदगी बदली। राहुल गांधी ने बकायदा 2008 में संसद में अविश्वास बहस के दौरान इसका उल्लेख भी किया था। हालांकि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर तो आर्थिक मदद नहीं की थी, लेकिन उन्हीं की इस मुलाकात के बाद एक एनजीओ है सुलभा इंटरनेशनल, उससे 30 लाख रुपए की वित्तीय सहायता कलावती को मिली। एनजीओ से मिली राशि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मरा गांव शाखा में फिक्स डिपॉजिट में रखी गई, जो कि कलावती का अकाउंट था। इसी वजह से कलावती को हर महीने उससे 25,000 रुपए मासिक ब्याज मिलना शुरू हो गया। उस समय 25,000 रुपए एक जीवन यापन करने के लिए, 4 बच्चों की शिक्षा खर्चा को पूरा करने के लिए, आरामदायक जीवन जीने के लिए ठीक थे। मतलब इसमें उनका गुजारा हो रहा था और इसी वजह से उनकी जिंदगी थोड़ी सी बदल पाई। नहीं तो कहां से 30 लाख आते अगर राहुल गांधी उनसे मुलाकात नहीं करते, कहां से वो एनजीओ जाता। ये पूरी खबर है कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उनकी जिंदगी थोड़ी सी बदली, पैसे आने शुरू हुए, अपने बच्चों को वो पढ़ा पाई, उसके बाद शादी कर पाई। लेकिन अमित शाह ने अनजाने में सदन में झूठ बोल दिया और कांग्रेस ने वो झूठ पकड़ लिया, कलावती को सामने ले आए, कलावती ने सारी पुल पट्टी खोल दी। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।